उसमें लाए रखमान रही सो इन एडवांस लेवल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटीज जहाँ पर हम बात करें तो वी वोकिंग अबाउट बाइनोमियल मॉडल इसमें हमने इसकी बेसिक्स की बात की देन वी टॉक अबाउट द वन पीरियड नाउ वी गोइंग टू एक्सटेंड इट टू अ लिटिल मोर डेप्थ दैट इज़ टू पीरियड बाइनोमियल एंड इट कैन बी इवन फर्दर एक्सटेंडेड टू पीरियड एज इट्स नेम से वो एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड पे फॉल कर करा दैट कुड बी इवन सिक्स मंथ सिक्स मंथ और इट कुड बी वन ईयर वन ईयर

पॉसिबल परमोटेशन बनती हैं जो कि एक करंट लेवल से आगे टू पीरियड में मूवमेंट हो सकती है तो हम इन सबको देखेंगे कि ये प्राइसिंग में कैसे इम्पैक्ट करती हैं एज्यूमिंग अपर्सेंटेज अगर वो फिक्स हों तो अप डाउन एंड डाउन अप सीक्वेंस रिजल्ट इन सेम अगर बिल्कुल वो सेम पार्ट हो तो ये नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए दोनों एक लेवल पर पहुँच जाएंगे और ईज टर्मिनल स्टॉक प्राइस अ कॉल ऑप्शन हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू डेफिनेटली जिस लेवल पर हम जाएंगे उसकी अपनी वैल्यू होगी सो वी नीड टू गेज एंड अप्लाई टू दैट टू क्लैरिफाई द नोटेशन यू आपको रिकॉल करना चाहिए एस प्लस हमने क्या कहा था कि स्टॉक की या स्पॉट प्राइस जब प्लस हो जाए तो वेन वी से प्लस प्लस मीन टू अप्स एंड कॉल प्लस प्लस मीन दोनों सिचुएशन में बोथ पैटर्न में जो है वो उसमें प्राइस में अप है अदर पैटर्न आर डिफाइंड अकॉर्डिंगली वो प्लस माइनस माइनस प्लस इससे आप सिंपल अपने जो हमने पॉसिबल बनाई थी चार उन चारों के साइंस आप इजीली लगा सकते हैं द वैल्यूएशन प्रोसेस इज इट क्रिएटिव स्टार्टिंग एट ईच फाइनल नोड के हर पॉइंट पे क्या आएगा एंड देन व्हाट डायरेक्शन इट विल टेक देन वर्किंग बैकवर्ड टू द ट्री टू द फर्स्ट नोड तो ये आपको बेसिकली वैल्यूएशन पाथ इस तरह होता है कि आप गिवन लेवल से अभी स्पॉट की वैल्यू क्योंकि हमें वैल्यू तो हर ऑप्शन की अभी चाहिए तो हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसको वर्क बैक करके वी रीच टू तो आर ओरिजिनल डेस्टिनेशन और देन वी कैन से इस वक्त इस ऑप्शन की ये प्राइस होगी तो ये हमारी उसकी कैलकुलेशन जो है हमारे यूज़ होती है एंड दैट तो इज़ बीइंग एंटर्ड और मार्केट्स में फिर वो फ्रीली उसकी प्राइसिंग मूव ऑन हो जाती है एलिस्ट्रेशन देखते हैं थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो जाएगी सपोज प्राइस ऑफ स्टॉक इज़ हंड्रेड डॉलर इट कैन आइ दर राइज और फॉल बाई टेन परसेंट या बढ़ सकता है टेन या कम हो सकता है अज्यूम एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज़ हंड्रेड एक्सरसाइज प्राइस भी हमने कहा स्पॉट प्राइस ही है फॉर एग्जाम्पल कॉल इज़ टू पीरियड फ्रॉम एक्सपायरेशन का जो स्प्रेड है और रिस्क फ्री रेट जो है वो हमारा सिक्स परसेंट है तो अगर यार ग्राफिकली देखें तो वो स्टॉक हंड्रेड से हंड्रेड टेन पर जा सकता है अप वन और या वो नाइन्टी पे आ सकता है हंड्रेड टेन से जब जाएगा फर्दर टेन तो वो वन ट्वेंटी वन की तरफ जा सकता है या हंड्रेड टेन से दोबारा वो फॉल करके नाइन्टी नाइन आ सकता है और जो नीचे वाला है नाइन्टी वाला दैट के डायडर गो अप टू नाइन्टी नाइन और वो फॉल करके एटी वन आ सकता है जो हमने बात की थी कि अगर परसेंटेज सेम हो तो ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना दोनों नाइन्टी नाइन के लेवल पे ही स्टैंड कर रहे हैं ये आप यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग कैसे हमें पार्थ्स कैलकुलेट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे मूव आउट होंगी वो यू कैन रिकॉल कॉल वन प्लस आर जो हमारा रिस्क फ्री रेट है माइनस डी ओवर यू माइनस डी ये पाथ्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो है वो गेज कर सकते हैं कि वट लेवल वी विल बी स्टैंडिंग स्टॉक प्राइस एट एक्सपायरेशन विल बी सिंपल ये आपको अपने वैसे ही पता है हंड्रेड इंटू वन पॉइंट वन फर्स्ट नॉट की आगे इंटू वन पॉइंट वन सेकेंड नॉट वन ट्वेंटी वन पर ले जाएगा अगर वो एक अप और एक डाउन है तो 99 नाइन ये वो कैलकुलेशन है जो कि सिंपली वी कैन सी वेन द ऑप्शन एक्सपायर्स इट विल बी वर्थ सी प्लस अगर देखिए एक शेयर एक सौ इक्कीस का हो जाता है और हमारे पास कॉल ऑप्शन है हंड्रेड की तो हमें कितना गेन उसमें हो सकता है ट्वेंटी वन का तो दैट्स मैक्सिमम सी प्लस माइनस की केस में स्टॉक ही 99 का हो गया तो वी विल नॉट बी गेटिंग एनी थिंग आउट ऑफ इट क्योंकि स्टॉक स्टॉक हमारे पास कॉल ऑप्शन 100 की है और मार्केट वैल्यू 99 है तो ऑप्शन इज वर्थ लेस नथिंग सिमिलरली अगर वो नीचे ही गिरता रहता है तो फिर तो कॉल की भी वैल्यू नहीं है तो इन वन सरकम चांसेज वी हैव अ वैल्यू ऑफ ट्वेंटी वन इसकी एक और इलिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल भी है मेक श्योर वी अंडरस्टैंड स्टॉक इज वर्थ सिक्सटी इन अ स्टॉक प्राइस कैन राइज और फॉल बाय फिफ्टीन परसेंट या पंद्रह परसेंट ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती इंटरेस्ट फ्री रेट सिक्स परसेंट है पुट ऑप्शन एक्सपायर्स इन टू ईयर्स एंड एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ सिक्सटी पुट की हम बात करें और एक्सरसाइज प्राइस है सिक्सटी इसके लिए भी हमें बायनोमियल मॉडल से इसको ले वर्कआउट करना है तो रिस्क न्यूट्र प्रोबिलिटी इज़ वन पॉइंट सिक्स यानी कि उसकी गोइंग माइनस द पाथ दैट इज़ पॉइंट एट फाइव यानी कि मैक्स कितना वो आप कॉल आ सकती है इन टू वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई पॉइंट एट फाइव यानी कि प्लस डिवाइड वो माइनस जो है उसका जो डिफरेंस है वी गेट दैट ऑफ पॉइंट ट्री तो पॉइंट सेवन हमारे पास उसकी प्रॉबिलिटी है और सेकेंड प्रॉबिलिटी इज़ क्योंकि सम वन का है तो पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री स्टॉक प्राइस इन बाय ट्री वन एंड टू ईय फ्रॉम नाउ सिक्सटी से वो जा सकता है सिक्सटी नाइन का या वो नीचे आ सकता है फिफ्टी वन का अब सिक्सटी से बोथ अप अप फिफ्टीन परसेंट अप देन इट कैन रीच टू सेवेंटी नाइन और इट कैन रीच गो अप एंड डाउन देन रीच टू फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स फाइव और अगर दोनों डाउन डाउन हो जाएंगे तो यू कैन सी इट कैन रीच फोर्टी थ्री लेकिन ये बात याद करें कि यह पुट ऑप्शन है कॉल ऑप्शन नहीं है टू कीप इट इन माइंड के वैन इट विल बी वर्थ टू बेनिफिट अस पोर्ट ऑप्शन अगर तो प्राइस बढ़ गई है सेवेंटी नाइन का हो गया हम तो सिक्सटी का बेचना चाहेंगे मार्केट में सेवेंटी नाइन आया तो पोर्ट ऑप्शन विल बी वर्थ जीरो लेकिन इन अदर सरकमस्टांसेस जब वो फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स फाइव का हो गया तो उसकी वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स फाइव यानी कि सिक्सटी माइनस फिफ्टी एट और अगर शेयर की प्राइस दोनों तरफ टू डाउनस आ गई है तो इट विल